प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आ रहे हैं। चलिए वीडियो को फर्स्ट टाइम ला करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स या क्वेश्चन आप अपने आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मीन वाइल अपने जो भी लोग कनेक्टेड हो रहे हैं वीडियो के बाद शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जस्ट 1 मिनट का समय दीजिएगा, देख सकते हैं सारे न्यूज़ हम आपके लिए। 26 सितंबर को आपका है, यानी 26 सितंबर को आपका TRE3 का रिजल्ट जारी होगा पटना में। आपका देख सकते हैं ये न्यूज़ आज का ही है और इसको आप लोग के लिए लाया गया है। TRE3 का फाइनल रिजल्ट जो है 26 सितंबर को जारी होने की संभावना है। ये भी अभी प्रॉबिलिटी है, ये भी कंफर्म नहीं है कि आपका हो जाएगा या फिर 100% सियोरिटी के साथ ये कह रही है। कोई एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं जारी किया गया, बट न्यूज़ की संभावनाएं ज़्यादातर होती हैं, सही मानी जाती है। तो इसी तरह से ये निकल के आ रही है कि आपका 26 सितंबर तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, यानी अक्टूबर में ये सारा चीज़ प्रक्रिया चल जाएगा। अक्टूबर नवंबर हो सकता है, नवंबर भी जा सकता है आप लोग की ज्वाइनिंग तक का, क्योंकि DV की प्रक्रिया लगभग 2 से 3 वीक तक चलती है। रिजल्ट आने के 3-4 वीक के बाद ये सारी प्रक्रिया होती है, और इससे पहले आपको 3 शिफ्ट में आंसर की जारी होगी। अब ये जो ये जानकारी BPSC के जो है संयुक्त सचिव सत्य प्रकाश ने दी है, और ये आपका BPSC के सचिव है, कहा है कि 6 to 8 का आंसर की जो है आपको 30 अगस्त को जारी होगी, और 2 सितंबर को आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को आपका 31 को हेडमास्टर और इसका आंसर की जारी किया जाएगा। तो आज से ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं, ये सेम चीज़ को देख सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया। BPSC TRE3 का जो है आज आंसर, मतलब ये कल के डेट में था न्यूज, और 1 to 5 का आज होगा अपलोड 8 बजे से। आज देख सकेंगे 1 to 5 वाले, PRT वाले सभी लोग देख पाएंगे। PRT के जितने भी लोग हैं वो लोग अपना आंसर की आज के डेट में संभावना है कि आज जारी हो जाएगा, और फिर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा कि हाँ एग्जैक्ट नंबर आपका कितना बन रहा है। फर्स्ट सेकेंड चीज़ है आपका 8 बजे से अपलोड होगा। 6 to 8 वाले जितने लोग हैं, यानी कि चाहे जिस भी सब्जेक्ट के हैं, 30 अगस्त से आप लोग को आंसर की जारी होगा। 2 सितंबर से आपको माध्यमिक, यानी 9 से 10, 11 से 12 का आपका जारी होगी, और हेड मास्टर और हेड आपका HM के लिए जितने भी लोग हैं इंतजार कर रहे हैं, 31 अगस्त तक आपको जारी होगा आंसर की। आपत्ति के लिए आपको सभी लोग को मिलेगा 7 दिन का समय, हालांकि ये इंक्रीज भी होता है टाइम टू टाइम, इसको मॉडिफाई भी किया जाता है। 26 सितंबर के बाद से बारी बारी आपका TRE3 का आपका जारी होगा रिजल्ट 26 सितंबर से। 1 to 5 का और 6 to 8 का, 9 से 10th का आपका, 11 से 12th का आएगा उसका रिजल्ट। हालांकि ये प्रक्रिया उल्टा करना चाहिए, सबसे पहले आपका 11 से 12th का रिजल्ट आना चाहिए, फिर आपका 9 से 10th का, फिर 6 to 8 का, और फिर 1 to 5 PRT का आना चाहिए। फिर इससे आप लोग को बेनिफिट होगा, और लाखों यानी कह सकते हैं हज़ारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको बेनिफिट हो सकता है इन सारी चीज़ों से। आगे कंटिन्यू करते हैं, TRE1 और TRE2 में जितने भी, TRE3 में नहीं, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ऐसा संभावना है बताया जा रहे हैं कि आपका कट ऑफ जो आपको बताया जा रहा है TRE1 और TRE2 से कम ही जाएगा। रीजन है, कई चीज़ें हैं, कई लोग का ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं तो वो अप्लीकेंट आए हैं, 6 लाख अप्लीकेंट आए हैं, लेकिन उतनी उपस्थिति दर्ज नहीं करी गई, प्रेजेंस नहीं था। इस बार कंपटीशन एज कर देखेंगे तो सीटों की संख्या भी बहुत है, एज कर देखेंगे तो 87,774 कम सीटें नहीं होती है। एज कम्पेयर देखेंगे अभी रेलवे का वैकेंसी आने वाला है, NTPC का या JEE का निकल गया, बहुत कम सीटें संख्या है, जो कि लाखों में संख्या हुआ करती थी अब बहुत कम है। वहाँ सोचिए कितना कंपटीशन होगा, एज कम्पेयर अगर आप करेंगे और दूसरे में कंपटीशन से गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, यहाँ पर बहुत कम कंपटीशन आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं, चलिए TRE4 के लिए जो भी लोग वेट कर रहे हैं तैयार के लिए, अक्टूबर के अंतिम वीक या 20 नवंबर से पहले आपको विभाग जो है रिक्तियां यानी वैकेंसी जारी करने की संभावना है, कुछ देर बाद लगेगी बाद ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। और नेक्स्ट है, ये सारे जो लोग हैं फर्जी डिग्री वाले, इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूँ, आप लोग इन्वाइट करता हूँ, ये भी करता हूँ, आप कॉमेंट कीजिए या वीडियो को शेयर करिए। 1 to 1 सीट पर 1 रिजल्ट होना चाहिए या DV पहले होना चाहिए, ताकि फर्जी डिग्री वाले बाहर हो सके, और 100% रिजल्ट जितनी वैकेंसी आई है, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 से 10th, 11 से 12th हो, सभी पर रिजल्ट जारी किया जाए। ये सारे रीजन है कि फर्जी डिग्री वाले जो योग्य नहीं है उनकी हायरिंग हो चुकी थी, जो कि TRE1 और TRE2 के दौरान, उनको अब बाहर किया जा रहा है। मधुबनी का न्यूज़ ये देख सकते हैं, सारण का भी रिसेंटली 41 लोगों को बाहर किया गया। ये सारे रीजन से इंटर के जो BSSC के जो फॉर्म भरे हैं उन लोग के लिए भी गुड न्यूज़ है। आने वाले समय में आपका है ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया कि इसके लिए आपका बेल्ट्रॉन को जिम्मेदार सौंपी गई एजेंसी चयन हो चुका है, और आपका अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में कभी भी एग्जामिनेशन हो सकती है। इसको शॉर्ट में रखते हैं, ऑलरेडी आप लोग को जानते होंगे
आंसर की आ गया है, आंसर की आप लोग का आंसर की आपको 8 बजे तक आज देखने को मिलेगा। 8 बजे तक आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आंसर की आने के बाद ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑफिशियल आंसर की आप लोग को जितना भी बताया गया है, आप लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है कि मेरा 75 बन रहा है या 80 बन रहा है या 90 बन रहा है, जो भी आपका बन रहा है, आपने जहाँ से भी मिला है, यूट्यूब से मिला है या फिर आपके NCERT बुक से नोट से मिला कर रखे हैं, वो अब ये एग्जैक्ट आंकड़ा आप लोग को पता चलेगा कि BPSC किस क्वेश्चन को सही माना है, किस क्वेश्चन को गलत माना है। अगर आपने जो भी सस्पेंसेज या डाउट वाला क्वेश्चन को भी आपने सही मान के रखा है, तो आपके नंबर घटेंगे, आप नंबर घटेंगे क्योंकि BPSC उसको काटेगी, गलत करेगी। और अगर आपने सस्पेंस डाउट वाला, मान लीजिए आपने किसी का 8 क्वेश्चन डाउट पड़े हैं और उसको आप पहले से निगेटिव मान के चले हैं, तो आपके नंबर नो डाउट 4 से 5 नंबर आपके बढ़ेंगे। तो ये दोनों बेनिफिट आपको भी देखने को मिलेगा। अब ये एक आंकड़ा निकाला जाएगा, आप लोग से पूछा जाएगा कि कितने आपके नंबर बढ़े हैं, कितने नंबर घटे हैं, ये दोनों चीज़ें आपको चलेंगी, ट्रेंड चलेगी, यूट्यूब पर सभी लोग इस पूछेंगे, इवन टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को शेयर किया जाएगा। बिल्कुल EWS में आपका सशक्त बिहार में आपका ये सारी चीज़ें रहेगी। देख सकते हैं आपका TRE1 में इस तरह से कटअप था, और इस बार आपका EWS में आपका 65 से लेकर के 70 के बीच में रहेगा। तो 65 में आपका चांसेस रहेगा, नो डाउट 65 में सेम में आपको चांसेस रहेगा, हो जाएगा। ये फीमेल का रहेगा 55 से 60 के बीच में रहेगा, और ये UR के लिए अगर 75 से 80 के बीच में रहेगा, और ये फीमेल में आपका 65 से 80 के बीच, 65 से 70 के बीच में रहेगा। अब आंसर की आने के बाद देखिए आप लोग का नंबर घटता है या बढ़ता है, इस पर भी डिपेंड करेगा, इस पर भी सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट आपको लिए न्यूज़ जो लेकर के आए, देख सकते हैं ये भौकाल आ चुका है। आप भी कल के डेट में अगर आप बनेंगे तो इस तरह से भौकाल ना करें, अदगल गर्गी जाए छलकत जाए, इस तरह की कई चीज़ें हैं, कहावतें इस इन सारी चीज़ों पर सार्थक सिद्ध होती है। देख सकते हैं BPSC जो है पहले विशेष शिक्षक थे, अब इनको ये मिल चुका है। कई ऐसे लोग हैं, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, जिसे नाम लिए बिना बता रहा हूँ, BPSC टीचर्स, जिस तरह से कोई SDM IAS ऑफिसर बनता है ना, इस तरह की ये सारी चीज़ें प्रक्रिया ये लोग बना करके चलते हैं। पता नहीं इनको शादी करना है या क्या करना है, आई डोंट नो किस तरह की ये सारी चीज़ें हैं। चलिए ये देख सकते हैं, यहाँ तक ये और भी देख सकते हैं, इस तरह से है आपके पास TVS। हालांकि कुछ बोलना नहीं चाहिए, बट इस तरह की आप जो भी नॉलेजबल शिक्षक, आप जिस पद पर जाने जा रहे हैं, आपको हमेशा विनम्र रहना पड़ेगा, विनम्र रहना पड़ेगा। आप चाहे जिस भी वृक्ष में देखेंगे, जहाँ जहाँ ज़्यादा फल होता है, वो फल कभी हमेशा टाइट नहीं रहेगा, वो झुका रहेगा। आपको ये शो नहीं करना है कि हम शिक्षक बन गए हैं, टीचर बन गए हैं, IAS बन गए हैं, SDM बन गए हैं, SDSP बन गए। जिसको जो रहता है वो रियलिटी में आपके अंदर होना चाहिए, शो मत कीजिए। हाँ, जिसके पास नॉलेज कम होती है या फिर किसी तरह से तुक्के में आकर के बनते हैं, इसी तरह की ये हरकतें करते हैं। एक्चुअली एक और गुड न्यूज़ है आपका राजगीर में, आपका ये खेल आपका स्पोर्ट्स के लिए, जिन लोग भी स्पोर्ट्स के लिए आप इच्छुक हैं या फिर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं या इस फील्ड में डालना चाहते हैं, उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जल्द ही इसका इनोग्रेशन किया जाएगा। तो ये सारे आप लोग के लिए आज तक का, अभी तक का जो भी न्यूज़ है, ये राज्य खेल आपका अकादमी जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम राजगीर का उद्घाटन कल होगा। ये आपके कल के डेट में लेटेस्ट न्यूज़ आपका निकल के आया है। देख सकते हैं भारत में 2 मार्च में 2 लाख नौकरियाँ, भारत में मार्च तक है जिसमें से 70% महिलाओं को मिलेगा। चलिए कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं, मीन भाई अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। बिहार SSC में अभी रिसेंटली एक एग्जामिनेशन हुआ, 2-2 लाख में बिके हैं पटना के 20 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र। जब अभी ऑनलाइन बिहार SSC का आप लोग को बताया गया है, ऑनलाइन हो गया प्रक्रिया में। एक बार में 10 करोड़ रुपये का होता था खेल, टेक्निकल एजेंसी का हेड देता था क्लियरेंस, और ये आपका सर्वर में चोर आपका क्वेश्चन डाल से आपका कंप्यूटर से जोड़ते थे, दूर बैठे कहीं भी कोई भी सॉल्वर आपका जो है उसको सॉल्व करता था, यानी एक्सेस दे देता था कि आपके स्क्रीन का जो भी आप देख रहे हैं, जैसे जिस तरह से आप मेरे स्क्रीन को अभी आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन लाइव, सेम एज इट इज वहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, आंसर वही पुट कर देंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत टेक्नोलॉजिकल देख सकते हैं, अगर आप मतलब कि फर्जीवाड़ा का एक हद होता है सीमा, तो इन्होंने जितना सीखा है शायद आप लोगों ने नहीं सीखा होगा, घर बैठे ही आपको सॉल्यूशंस कहीं बैठे पटना दिल्ली कहीं पर बैठ के आपके क्वेश्चन पेपर का आपका एग्जामिनेशन सेंटर को पूरा बुक कर करके क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। और ये बिहार की यही न्यूज़ है, ये आज 2 दिन पहले का न्यूज़ देख सकते हैं आपका, ये सारी चीज़ बिहार का ही है, झारखंड का ही न्यूज़ है, देख सकते हैं। आपके खेल में ऐसे पैसे देने वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग क्वेश्चन से जुड़े 1 लाख के खास कंप्यूटर, इनके जो है पेपर रिमोट पर लेकर के सॉल्वर सॉल्व करते थे, ये सारी चीज़ें होती है। अगर इस तरह का सेम चीज़ें बिहार SSC में होगी तो किस तरह से आपका
और कितने अच्छे अधिकारी या कितने अच्छे शिक्षक जा कर के कार्य करेंगे बिहार के लिए या फिर पूरे इंडिया के लिए। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरा पूरे इंडिया की, यूपी की वही कमोवेश वही हाल है, राजस्थान की वही हाल है, हरियाणा की वही हाल है, पूरे सेंट्रल लेवल का आप नीट का देख सकते हैं। रिसेंटली क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, यूपीएससी में कई ऐसे चीज़ें हैं, यूपीएससी में कई ऐसे लोग हैं जो कि जिनके बेटा बेटी या फिर जो नेतागण के हैं, एमएलए एमपी के बेटी, डायरेक्ट 7, 8, 10 बार, जिनको 6 बार से ज़्यादा मौका नहीं मिलना चाहिए ओबीसी में होने के बावजूद, या फिर 4 बार आपका, उसके बावजूद वो 11 बार एग्जामिनेशन देते हैं, नाम चेंज करके एग्जामिनेशन देते हैं। पूजा अगर खेड़कर का आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा, तो कोई भी चीज़ें अछूता रह गई नहीं है, कोई भी दूध के धुले नहीं है, बस पैसे का खेल है, पावर का खेल है, दो चीज़ है, पीपी का काम है, पैसा या पावर। अगर आपके पास है तो आपके भैंस जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही कहावत है अभी भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एज यूजुअल जो हम आपको बताए थे, जिन लोगों को क्वेश्चन करना है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट होगा। अदरवाइज हम आपका एडिटेरिया का हम करवा रहे थे, आपको इकोनॉमिक्स का क्लासेज स्टार्ट कर चुके थे, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, 20 से 25 मिनट है उसको कंटिन्यू करेंगे, जिन लोगों को पढ़ने की इच्छा होगा पढ़ सकते हैं। और एक आपका घटना चक्र का भी स्टार्ट हो चुका है, घटना चक्र का भी पढ़ना आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिएगा एक्चुअली, क्योंकि 2 से 3 बार ऑलरेडी हम कंप्लीट करा चुके हैं। हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री का कल हम 13 से 14 क्वेश्चन करवाए थे विद एक्सप्लेनेशन, आप उसको भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट उसका अलग बना देंगे। एडिटेरिया का प्ले लिस्ट बना हुआ है, एडिटेरिया का आप देख सकते हैं, एडिटेरिया का हम प्ले लिस्ट आपको दिखा देते हैं। ये आपका घटना चक्र का ये आपका प्ले लिस्ट है, ये आप इसको देख करके टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि पीडीएफ और नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए इन चीज़ों पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल यहाँ तक हम आप लोग को समझा चुके थे, बता चुके थे, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। प्रमुख फसलें कहाँ से कहाँ पर क्या मिलती है, उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 जो है आपका फसल है, आपको सबसे ज़्यादा केला आपको हाजीपुर में होता है, उसके बाद आम है, उसके अभी लाख टन ये याद मत रखिएगा क्योंकि ये बुक है 1 साल पुरानी, तो अभी रिसेंटली जो बिहार बजट हम करवाएंगे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करवाएंगे, उससे आप कोरिलेट कर लीजिएगा, उससे आप कोरिलेट कर लीजिएगा, उससे आप मैचिंग कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स हम जल्दी यहाँ पर करवाएंगे एमसीक्यू के साथ। अमरूद का आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीन चीज़ें आपका बिहार में सबसे ज़्यादा होता है, एक तो केला और आम अमरूद। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन जो है मुजफ्फरपुर में देखी जाती है, और इसमें और उसके बाद बिहार में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन आपको पश्चिम चंपारण में होता है। ये परसेंटेज नहीं बता रहे हैं क्योंकि लेटेस्ट आप करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा। बिहार में सर्वाधिक जो है चाय उत्पादन अगर कहीं किया जाता है तो किशनगंज में, पूरे इंडिया में कहाँ पर, असम में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ये 2021 का है, तो आप रिपोर्ट देख लीजिएगा। बिहार में कृषि आपका रिपोर्ट्स लेटेस्ट देख लीजिएगा। बिहार में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का इतना परसेंट होता है, अभी लेटेस्ट आपको दिखा देंगे, लेटेस्ट आपको बता देंगे, डोंट वरी। 2012 से अब तक का आपका 5 बार कृषि कर्मक पुरस्कार मिल चुका है बिहार को, 5 बार कृषि कर्मक पुरस्कार मिल चुका है आपका। 2011-12 में आपको चावल के लिए मिला है, और 12-13 के लिए आपको गेहूँ के लिए मिला है, 15-16 में आपको मिल चुका है मक्का के लिए, और 16-17 में आपको मक्का के लिए मिल चुका है, और 17-18 में गेहूँ के लिए फिर से मिला है। तो ये मक्का के लिए 2 बार देख सकते हैं, गेहूँ के लिए 2 बार, 1 बार चावल के लिए, तो लगातार आपको 11 से लेकर के 18 तक ये 5 बार मिल चुका है पुरस्कार। बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए आपका बिहार सरकार द्वारा 3 कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन किया गया है। प्रथम कृषि रोड मैप आपका 2008 से लेकर 12 तक हुआ, द्वितीय कृषि रोड मैप आपको 12 से 17 में हुआ था, उसके बाद आपका तृतीय रोड मैप आपका 17 से लेकर 22 तक हुआ, तृतीय रोड मैप जो है आपका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर के 23 तक कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा ये इकोनॉमिक्स का क्लासेज हम ले रहे हैं, ऑलरेडी आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरा आपको कंप्लीट करा दिए हैं, एक एक चीज़ें समझा करके आपको लाइन बाय लाइन पढ़ करके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीपीएससी का अभी तक का जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं वो भी आपका करवा दिए हैं, आप उसको देखिएगा। ये बिहार स्पेशल का क्लासेज है, 20 से 25 क्वेश्चन आपके इससे आते हैं, जो बीपीएससी TRE 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार SSC के लिए, उनके लिए रामबाण सिद्ध होगा। रीजन वाइज एक एक नंबर के लिए फाइटिंग होती है, 20 से 25 क्वेश्चन आपको फ्री के नंबर ही मिलते हैं, क्योंकि फ्री के नंबर इसलिए कहते हैं एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको नंबर ये भूलेंगे नहीं, आप बार बार इसको रिपीट कर सकते हैं। रिवीजन के लिए मैं अपलोड करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में इसको लिंक भेजता हूँ, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा कृषि से जुड़े सभी विभागों को एक साथ लेकर के कृषि के समग्र विकास के लिए एक
एक समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं और चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी की जा रही है। ये 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2018 इस तक रहने वाली है, तो ये 5 साल का रहेगा। इस रोड मैप पर जलवायु अनुकूलन कृषि होगा और कृषि विविधीकरण होगा के आदि पर विशेष बल दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है इस बार, हो सकता है आपको किसी भी एग्जाम से देखने को मिलेगा आपको किसके लिए अनुकूलन बनाया जाता है। आपका जलवायु अनुकूलन यानी कि इन्वायरमेंट से फ्रेंडली होगा और कृषि विविधीकरण को इसमें विशेषता दी जाएगी। सिंचाई पर बात करते हैं बिहार के परिपक्ष में। बिहार में सिंचाई के प्रमुख जो साधन है नहर है, नलकूप है, पाइपलाइन है, तालाब है, कुआं है। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र का 64% जो है हिस्सा नलकूपों के द्वारा सिंचित किया जाता है। पशुपालन में जानते हैं कृषि प्रधान आपका राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का प्रमुख साधन है। आप लोग को भली बात ही पता है लगभग 70% 65 से 70% है जो कि कृषि और पशुपालन पर रोजगार यहाँ पर आश्रित हैं बिहार में लोग। आर्थिक सर्वेक्षण आपका 21-22 के अनुसार जो है आपका 2019 के में परसों की कुल संख्या उसमें थी 365 दिन होता है ना, याद रखिएगा बस एक साल का 365.4 लाख, तो इसे याद रखिएगा 365 दिन होता है 0.4 एज इट इज। अगर लीप ईयर आ जाता है तो 366 दिन। अभी आपका 2024 है, कौन सा है इकोनॉमिक्स सॉरी रीजनिंग वाले जो पढ़ते होंगे ये 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका लीप ईयर आ जाता है। ये 4 से डिवाइडेड होगा ये लीप ईयर है, इस बार 366 दिन होगा। आपका फरवरी का महीना 29 का गया है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2016-17 से लेकर के 2020-21 के मध्यम पशुपालन में आपके बिहार में है 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 में पशुपालन उत्पादन की स्थिति अगर देखेंगे तो दूध में उत्पादन हुआ है 115.01 लाख टन आपका हुआ है। अंडा में आपका 305.3 करोड़ टन है, इसमें करोड़ों में है या लाख में या करोड़ में सोच सकते हैं अंडा खाने वाले कितने लोग हैं बिहार में। मछली उत्पादन में 6.83 लाख टन है। मांस उत्पादन में आपका है 3, आपका इसका आधा है लगभग 3.85 लाख टन है। तो मछली, मांस, अंडा, दूध ये सारी चीज़ें जानेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में पशुओं की संख्या प्रतिशत अग्रणी जिले कौन सा है? गाय और बैल सबसे ज़्यादा आपका है, 154 लाख है आपका, इसमें 42.1% लगभग पूर्णिया में आपको देखने को मिलेगा। पूर्णिया में भैंस भैंस आपका है आपका 77.22 लाख आपका है और इसमें 21.2% सबसे ज़्यादा आपका मधुबनी में देखने को मिलेगा। बकरी आपको गरीबों का जिसको गाय कहते हैं 128.2 लाख आपको है पूरे संख्या बिहार में, जिसमें से 35.1% अरहरियान देखने को मिलता है। मुर्गी और बत्तख की संख्या है इसमें आपको 165.3 लाख और ये कटिहार में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपको खनिज के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के भूपट एवं भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और यौगिक को खनिज कहते हैं। खनिज इसको स्पेलिंग गलत है, खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिकी एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक यानी मेटल नॉन मेटल वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख लीजिए ये विभाजित किया गया है। तो बिहार में से झारखंड विभाजन के पूर्व कब विभाजित हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को बाहर हुआ था। बिरसा मुंडा के जन्मदिन इसी दिन मनाते हैं, 15 नवंबर 2000 को डिवाइडेड हुआ था, झारखंड अलग हुआ था। इनमें देश का लगभग 25% खनिज आपका पाया जाता है, अब सिर्फ बच गया। विभाजन से पूर्व देश का लगभग 25% भाग यहाँ पर निकलती थी पूरे अगर इंडिया के करेंगे तो। ये मुख्यतः छोटा नागपुर पठार से में पाया जाता है। विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% बच गई है। सोच सकते हैं 25% कहाँ हुआ करती थी, अब 2 से 3% बच गया, यानी 22 से 23% लेकर के झारखंड अलग हो गया। वर्तमान में बिहार में दक्षिण सीमा का धारवाड़ या बिंदकर्म के चट्टाने खनिज में पाए जाते हैं। बिहार में पाए जाने वाले खनिज जो आपका है चूना पत्थर, पायराइट, अवरक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज और बॉक्साइड आपको पाया जाता है। तो देखते हैं कहाँ पर कौन सा ये क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसको कंप्लीट करते हैं। खनिज के बारे में जानते हैं और उसके उत्पादक जिले हैं, क्षेत्र और इसकी विशेषता क्या है उसके बारे में जानेंगे। चूना पत्थर, तो सब चूना पत्थर सबसे ज़्यादा आपका रोहतास बिहार में पाया जाता है। रोहतास जो है पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ियों से ही निकलता है। सीमेंट का है उद्योग का प्रमुख कच्चा माल यहाँ से प्राप्त होता है। रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए भी उपयोगी होता है। इस्पात उद्योग के लिए भी उपयोगी होता है। पायराइट भी आपका रोहतास में ही में है। ये अमजोड़ा और एवं बंजारी में पाए जाते हैं। भारत के कुल भंडारण का 95% जो है बिहार में पाए जाते हैं पायराइट। पायराइट आपको 95%
हाँ, यह गंधक का प्रमुख स्रोत है और इसका उपयोग है उर्वरक, आपका उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन आदि में होता है, आदि में इसमें इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अवरक, अवरक है नवादा में और गया जमुई में पाया जाता है। विश्व में सबसे उच्च कोटि का अवरक बिहार में पाया जाता है। अवरक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि में होता है। चीनी मिट्टी के अगर भागलपुर में और बांका मुंगेर में पाई जाती है। इसका उपयोग बर्तन और विद्युत आपका प्रतिरोध उपकरण बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज में पेंट आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, चीनी मिट्टी भागलपुर, चीनी मिट्टी भागलपुर। नेक्स्ट है क्वार्जाइट, ये मुंगेर में, खड़गपुर की पहाड़ी और जम्मू और गया में पाए जाते हैं। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के लिए मुख्य रूप में किया जाता है। बॉक्साइट मुंगेर में पाया जाता है, खड़गपुर की पहाड़ियों में पाई जाती है। बॉक्साइट आपको एल्यूमिनियम का है, इसके एल्यूमिनियम का उपयोग बृहत रूप में से होता है। नेक्स्ट चलते हैं सोना, इससे ये संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आती है। सोना उत्पादक जिले है आपका, जिला है जमुई में, इस यहाँ पर कहाँ पड़ता है, करमिटिया में होता है, करमिटिया जगह पर होता है। मुंगेर पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। सोना का बहुतम इसमें धातु पाई जाती है। बिहार के जमुई में सोने के विशाल भंडारण का पता चला है, लगा है। हालांकि जितना इसमें बिहार सरकार ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दे रही है अभी इस पर। और ये सोना जो आपको पाई जाती है, ये नहीं कि आपको सोना का भंडारण, आपको सोने का लॉकेट मिल जाएगा, सोने का जो चैन मिल जाएगा या सोने का कुछ मिलता है, बल्कि सोने का छोटा छोटा तिनका मिलता है। मिट्टियों में कई बार खनन करने के बाद, बहुत सारे इतना छोटा छोटे खनन करने के बाद एक छोटा सा कण 1 ग्राम का मिलेगा, ये उससे भी कम मिलेगा, उसको इकट्ठा करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें तो बहुत सारी प्रक्रियाएँ इसमें काफ़ी लागत लगती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इसमें मेहनत लगता है, तो कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको अभी लेना नहीं चाहता, इसलिए ये सारी चीज़ें स्थिर पड़ गई है। 68 का बताएंगे सर, 68 वाला का जो है आपका आंसर कि आपका 30 सितंबर को देखने को मिलेगा। आप अगर आप कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ की मैं आपको बता देता हूँ, 68 का सब्जेक्ट बताइएगा, कौन सा सब्जेक्ट का पूछ रहे हैं। 68 के लिए आप देख लीजिए, SST वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये आपका रहेगा मैथ और साइंस वाले, हिंदी और ये संस्कृत का रहेगा। आप अपना सब्जेक्ट जरूर बताइएगा, जो भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सब्जेक्ट और अपना नंबर जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको अच्छे से बता पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोरा, सोरा ये आज का नहीं बल्कि आधुनिक समय में, ये प्राचीन काल से यहाँ फेमस है। तो ये सारण आपका, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय आपका, पूर्वी चंपारण में पाई जाती है। सोरा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग है विस्फोटक पदार्थ, बारूद में बनाने आपका पटाखा और कांच इस्पात में उपयोग किया जाता है। तो सोरा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के बारे में जानते हैं, जमुई, नवादा, गया में आदि में पाया जाता है। क्वार्ट्ज इसका उपयोग कांच और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में किया जाता है। यूरेनियम है, आप लोग बिहार से रहने वाले होंगे। संस्कृत UR फीमेल में आपका 75 में हो जाएगा, 68 में UR फीमेल में, संस्कृत वाले देख लीजिए जितने लोग संस्कृत के हैं, संस्कृत आपका फीमेल का है, UR में आपका 68 से 72 के बीच में जाएगा, तो 68 में आपका चांसेस, 75 में आराम से हो जाएगा, आपका सेफर साइड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। स्लेट, यूरेनियम, यूरेनियम आपका गया और नवादा जिले में पाया जाता है, गया और नवादा जिले में पाया जाता है। आपका ऊर्जा उत्पादन के लिए दृष्टि से बहुमूल्य ये चीज़ें यूरेनियम। स्लेट, स्लेट आपको मुंगेर और खड़गपुर पहाड़ी से मिलता है। इसका उपयोग है सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। मैंगनीज के बारे में जानते हैं, गया और मुंगेर में पाया जाता है। मैंगनीज का उपयोग है धातु निर्माण आपका कार्य में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग है इस्पात आपको बनाने में किया जाता है। अभी भी क्लियर नहीं है, आंसर आने के बाद ही क्लियर होंगे। 60, हाँ, आंसर के आने के बाद आपको एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा, क्योंकि कई लोग का भी आंसर आने के बाद 4 से 5 नंबर घटेगा भी, कई लोग का बढ़ेगा भी, तो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस जो कई लोग छत जिनके पास ढालने की नहीं होती कैपेसिटी, क्योंकि इसमें थोड़ा कम खर्च में आपका बन जाता है, कई लोग का 2 से 3 लाख में अगर आप चाहेंगे तो आराम से एस्बेस्टस बनाकर 2 से 3 रूम बनाकर रह सकते हैं। ये मुंगेर में सबसे ज़्यादा बनती है। इसका उपयोग है कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते के रूप में बनाए जाते हैं। कपड़े और कागज इसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण से इससे बनने वाले कपड़े फायर फाइटर बनते हैं, फायर फाइटर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है एस्बेस्टस का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कंट्री। गलेना, बांका में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा बांका में होता है। बांका जिले में इसका उपयोग जो है परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग इसका किया जाता है। इंपॉर्टेंट हम आपको चीज़ बताएंगे, कौन कौन सी चीज़ आपको फिर से याद रहेगी, क्योंकि इतने सारे चीज़ बताने के बाद शायद आपको याद न रहे, लेकिन 3 से 4 चीज़ जरूर आप याद रख सकते हैं।
पेट्रोलियम आपके पश्चिम चंपारण में, पौ से पेट्रोलियम, पौ से पश्चिम चंपारण, याद रखिएगा, ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा आपको होता है पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। अभी इंपॉर्टेंट हम आपको बता देते हैं जो आपको याद रखना ही रखना है, जैसे कि कौन कौन सा है, दूसरे आपको पेन से बता देते हैं, ब्लैक पेन से। चूना पत्थर, पायराइट, पायराइट आपको याद रखिएगा, पायराइट आपको रोहतास में पाया जाता है, बस इतना याद रखिएगा। और इसकी ये इसलिए याद रखेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा 95% बिहार में होता है। पायराइट रोहतास में, अजमोड़ा और बंजारे में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका चीनी मिट्टी, भागलपुर, बांका, इसमें याद रखिएगा, और बांका, उसका बॉक्साइट मुंगेर में, और इसका कहाँ उपयोग है, और ये इंपॉर्टेंट है आपका सोना, जमुई, सोना जमुई, रिसेंटली इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। और बाकी बाकी चीज़ें अगर आप भूल सकते हैं तो भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मर्जी आपके, ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के बारे में नेक्स्ट हम टॉपिक्स में जो स्टार्ट करेंगे, ऊर्जा कंप्लीट करेंगे, कुछ ही समय में आपका ये सारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगले टॉपिक्स में आपका स्टार्ट हो जाएगा पर्यटन, यानी कि ट्रैवलिंग, बिहार में क्या कौन सा जगह आपको पर्यटन के लिए घूमने के लिए, जो बाहर से खासकर यूपी, एमपी या फिर राजस्थान, हरियाणा से आते हैं। टीचिंग के अलावा अगर आपके पास समय बचता है तो कहाँ आप घूम सकते हैं, कौन सा स्थल में आपको मनोरंजन होगा, धार्मिक स्थल या फिर ये कहाँ है, उसके बाद जनगणना आप जरूर देख के जाइएगा। जनगणना हम लास्ट में कवर करेंगे, 3 से 4 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा इससे, क्योंकि अभी 2011 का ही जनगणना चल रहा है, बिहार का परिप्रेक्ष्य हो या इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हो, वो सारे जनगणना हम कंप्लीट कराएंगे। फिर उसके बाद राज्य व्यवस्था, यानी पॉलिटिकल कितना इशू है बिहार में, वो सारी चीज़ें, पॉलिटिकल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ये सारे लेस इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कंप्लीट करा दिया, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, कभी कभी हम उसको आपको देते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके बिहार के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं या फिर आपके राष्ट्रपति, सॉरी राज्यपाल रह चुके हैं या उससे संबंधित, आपके अभी 5 लोगों को बिहार के राष्ट्रपति मिल चुका है। रिसेंटली आपके ठाकुर जी को मिला, यानी कर्पूरी ठाकुर को मिला है, ये ग्राम सभा, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कराएंगे। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आपका पीजीटी में 62 में चांसेज है, मिशन आईएएस ऑफिसर, अभी से आप प्रिपरेशन में लगे रहें, जो भी समय मिलता है आप आईएएस के प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को आप एससीईआरटी एनसीईआरटी को 6 से लेकर 12 तक आप बार बार रिवाइज कीजिए, इसको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सबसे ज़्यादा आपको, आपको अगर आईएएस के प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए बेसिक रूप से। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व जो आपको रिसेंटली जो इतने भी न्यूज में आए हैं, उन सारी चीज़ों, जैसे श्री गोविंद सिंह, इनका जन्म 1666 में हुआ, इनके बारे में मैंने हिस्ट्री में बताया अच्छे से, विद्यापति हो गया, शेरशाह सूरी के बारे में बताएंगे आपका, उसके बाद मंडल मिश्र के बारे में जानेंगे, पीर अली के बारे में जानेंगे, वीर कुंवर सिंह के बारे में, तो रिसेंटली आप हर बार इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। फिर आपको मौलाना मजरुल हक, इनके बारे में जानेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी, बिहार के केसरी कहने वाले, भिखारी ठाकुर के बारे में जानेंगे, उसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, राजकुमार शुक्ल, इनके बारे में तो 1800 चंपारण एक दूसरे के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट फिर से जानेंगे, और मोहम्मद यूनिस, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, पहले सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट है फणीश्वर राथ रेणु, अनुग्रह नारायण सिंह, एन सिंह, एन कॉलेज, इनके नाम पर बहुत सारे चल रहे हैं, पटना हो, बाढ़ हो, कई जगह इनके कॉलेज हैं इनके नाम से। जयप्रकाश जी के बारे में जानेंगे, स्वामी सहजानंद से संबंधित, इससे आपको TRE 1, TRE 2, TRE 3 में क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट है कर्पूरी ठाकुर, रिसेंटली आप लोग को मिल चुका है इनको भारत रत्न। नेक्स्ट है राहुल सत्यानंद के बारे में जानेंगे, राहुल सत्यानंद को भी उनके बारे में पढ़ेंगे। रामवीर शिबुनीपुरी, ये आपको आने वाले समय में, ये एक हाइलाइटेड आपको बता रहे हैं कि आने वाले भविष्य में, यानी 3 से 4-5 दिनों में हम क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं, बिहार की विशेष विधि जो है, ये सारी चीज़ें, इसके साथ ही आपका ये बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा। PYQ ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया, ये सारे कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपका PYQ कंप्लीट करवा चुका हूँ, ये सारी चीज़ें 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा।